अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाई थी, दूसरा ये है कि दूसरा एक गांव है यहाँ भूडबास जिसे कहते हैं, भूडबास का कागज़ में नाम क्या है डॉक्यूमेंट में? भूडबास। ये मूलथान गांव है, उसके नज़दीक है। ये पीछे आपको एक घर दिख रहा है जो बिल्कुल एक घर, ये एक है बहुत, इसके घर में कोई अल्टरनेट नहीं है पैसे का या किसी चीज़ का। हमने इसके यहाँ भी एक कुंडा बनवाया, आपको मैं कुंडा दिखाता हूँ ज़रा। ये कुंडा है, ये कुंडा बनाया क्योंकि यहाँ पर भी पानी की कमी है और पानी ना होने की वजह से वाटर लेवल बहुत नीचे है, और वाटर लेवल नीचे होने की वजह से यहाँ पर भी पानी की परेशानी है। तो पानी हम लोगों ने स्टॉक के लिए बनाया, ये पानी वाटर स्टॉक करते हैं लोग, और इसमें तकरीबन 14,000 से 15,000 लीटर पानी इकट्ठा हो जाता है। ये लोग बेचारे अब इसको क्या करेंगे, 10 से 15 दिन या 20 दिन इस पानी को एक टैंकर डलवाएंगे, उस टैंकर को इस्तेमाल करेंगे। ये देखेंगे, मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ, ये अंदर से बना हुआ है, ये अंदर से बना हुआ, अभी ये फ्रेश है, इसमें अभी पानी नहीं डला है, और इसमें पानी भरेगा अभी थोड़े दिनों बाद जब ये फ्रेश हो जाएगा। तो इसमें दो टोटी लगाई है, ये हम लोगों ने दरवाज़ा लगाया इसका, ये है। और इसमें क्या है कि ये पानी 15 दिन तक इस तो यूज़ करते हैं लोग, 10 से 15 दिन पैसों में डलवाते हैं, 800-900 रुपये के एक टैंकर डलता है। ये कुंडा भी IMRC फंडेड बाई IMRC एंड मेवाट ट्रस्ट फॉर एजुकेशन और आमिना सईद जो हैं उनके सहयोग से मुझे हुक्म दिया है, और मैं इसमें मेवात में चूँकि इसको देख रहा हूँ, वाटर पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा टारगेट है वाटर सेविंग का भी है। इसमें हम लोग क्या काम करेंगे कि यहाँ पर जो ये घर हैं, ये जो घर दिख रहे हैं, इन घरों का हम पाइप लेंगे, बरसात के पानी को इंशाल्लाह इसी में स्टॉक करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।